आज हम लोग गान गुरु के एक 460 डायना 460 मैग्नम राइफल का रिव्यू लेके आए। तो ये हुआ ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस, और ये ऑब्वियसली आप जैसे मैंने बताया कि ये अंडर लीवर मॉडल है। अभी देखिए अंडर लीवर में और ब्रेक बैरल में एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है ऑब्वियसली इसका जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो अलग है, और खास करके मैं जो अंडर लीवर मॉडल है उसको ज्यादा एक्यूरेट मानता हूं। उसका दो रीजन है, क्योंकि अब जब ब्रेक बैरल आप यूज कर रहे हैं तो जो ब्रेक बैरल है उसका जो साइट और रियर साइट और फ्रंट साइट है वो बैरल पे रहता है, पर वो बैरल ऐसे ऐसे मूव होता रहता है जो कि एक हिंज के ऊपर माउंट होता है, जो हिंज उस बैरल को पकड़ के रखता है और मूव होता है। बहुत दिनों के बाद हो सकता है ये जो हिंज है ये हिंज में थोड़ा प्ले आना चालू हो जाता है। तो प्ले आने से क्या होता है, बैरल ऐसे दाएं बाएं थोड़ा हिलता रहता है, या फिर इसका जो अलाइनमेंट है वो अलाइनमेंट थोड़ा मिस अलाइनमेंट हो जाता है, हो सकता है। मैं नहीं ये कह रहा हूं कि सारे मॉडल में ऐसा दिखता है, पर कुछ कुछ मॉडल में ऐसा नोटिस किया है। फिर एक्सीडेंटल लॉक एक्सीडेंटल रिलीज के चलते ये बैरल कभी ऊपर टेढ़ा हो जाता है, तो उसमें क्या होता है ये एक्यूरेसी में बहुत प्रॉब्लम होता है। कुछ कुछ मॉडल में मैंने देखा है, ये नोटिस किया है, फिर उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है। जबकि आपका जो अंडर लीवर मॉडल है वो अंडर लीवर मॉडल में बैरल पूरा फिक्स रहता है, तो ये फिक्स रहने से ये बैरल का हिलने का कोई चांस नहीं है। तो ये बैरल नहीं हिल रहा है, तो बैरल पूरा फिक्स्ड है, तो इसमें जो एक्यूरेसी है आपको ये एक्यूरेसी नॉर्मल ब्रेक बैरल से आपको अच्छा मिलने का उम्मीद है, और ये बहुत दिन तक ऐसे फंक्शन करेगा। ठीक है, तो अभी देखिए इस डायना 460 मैग्नम जो राइफल है इसका बेनिफिट्स क्या है। तो पहला बेनिफिट्स ये है कि ये बहुत ही वेल बिल्ट राइफल है, मतलब इट्स आप अगर इसको हाथ में पकड़ेंगे तो ये जो राइफल है ये राइफल आपको सॉलिड फील होगा, इसमें कोई भी रैटलिंग साउंड आपको नहीं मिलेगा। ये राइफल बहुत ही सॉलिड है और बहुत हेवी भी है, जैसे ये वेल बैलेंस राइफल है। आप अगर देख सकते हैं मैं इसको ऐसे पकड़ रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा बैलेंस है। आप जब इसको पकड़ रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली ये साइट अलाइंड हो जाएगा, ये बहुत ही अच्छा ग्रिप देते हैं आपको। इसका जो लेजर चिकरिंग है ये लेजर चिकरिंग है, यहाँ पे वेंटिलेटेड बाट पैड दिया हुआ है ये शॉक एब्जॉर्ब के लिए। यहाँ पे जो स्मॉल ऑफ द बाट है यहाँ पे भी चिकरिंग्स जो है ये सारे चिकरिंग्स लेजरिंग है। तो इसका जो फिनिशिंग है बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग है, और इसका होल्ड भी बहुत अच्छा है, ये पिस्टल ग्रिप भी हाथ में बहुत अच्छे से आपको आता है। तो इसका होल्ड और फिनिश के मामले में ये बहुत ही बढ़िया एक राइफल है। इसका एक्यूरेसी मैंने पहले ही बताया, बहुत अच्छा एक्यूरेसी देता है, काफ़ी पावरफुल राइफल है। इसका ट्रिगर फंक्शंस काफ़ी अच्छा है, जार्क उतना महसूस आप नहीं करेंगे फायरिंग के टाइम पे। मैग्नम के राइफल पे हाँ वाइब्रेशंस थोड़ा बहुत है, पर इसमें ज़्यादा आपका वाइब्रेशंस आप नहीं फील करेंगे। और एक बहुत अच्छा बात यह है कि ज़्यादातर हम लोग ने देखे हैं कि जब हम लोग मैग्नम राइफल यूज़ करते हैं तो उसका जो स्कोप होता है ये स्कोप कुछ दिन के बाद खराब हो जाता है। तो उसका खराब होने का एक वजह होता है कि ये फ्रंट रिकॉइल होता है, तो फ्रंट रिकॉइल का वाइब्रेशंस में जब ये आपका जो राइफल है जब इसको हम लोग फायर करते हैं तो सामने की तरफ ये थोड़ा फ्रंट रिकॉइल होता है, क्योंकि जैसे फायर आर्म्स में क्या होता है बैक रिकॉइल्स आता है, इसमें फ्रंट रिकॉइल होता है। तो ये फ्रंट रिकॉइल की वजह से इसका जो रेसिटाइल है वो रेसिटाइल खराब हो जाता है। तो ये जो राइफल है इसमें वो बात थोड़ा सा कम है, मैंने नोटिस किया है दिस इज नॉट अ स्कोप किलर राइफल, मतलब इसमें आप स्कोप लगा सकते हैं, ये स्कोप आपका खराब नहीं होगा। मैग्नम ग्रेड स्कोप भी रहेगा तो खराब नहीं होगा, क्योंकि इसका जो कंप्रेशन चेंबर है ये कंप्रेशन चेंबर जब इसको कंप्रेस कर रहा है तो ये कंप्रेशन चेंबर में इसका वाइब्रेशन थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि ये कंप्रेशन चेंबर एक इंजेक्शन सीरिंज की तरह चलता है, एक कंप्रेशन चेंबर के अंदर दूसरा कंप्रेशन चेंबर आके इसका वाइब्रेशंस को थोड़ा रिड्यूस कर देता है, ताकि आपका फ्रंट रिकॉइल भी थोड़ा कम हो जाता है। तो ये स्कोप किलर नहीं है, ये राइफल इसका स्कोप को अच्छे से मेंटेन कर सकता है। बाकी इसका जो ओवरऑल जो साइट है जो अलाइनमेंट है ये बहुत ही बढ़िया है, फायर करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लाउडनेस इसका थोड़ा ज़्यादा है, 0.22 के तरह ही होगा, मतलब एयर राइफल के हिसाब से इसका मैं बोलूँगा इसका नॉइस थोड़ा सा ज़्यादा है। मैं इसको फायर करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि ये राइफल कैसा नॉइस प्रोड्यूस करता है। तो
आई वुड से इट्स अ लिटिल लाउडर टू माई एक्सपेक्टेशन कंसिडरिंग इट्स नॉट अ साइलेंट राइफल. तो मैं आपको एक शॉट इसमें फायर करता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये राइफल कैसा साउंड करता है. उसके बाद आगे जाके हम लोग इसका जो कॉन्स है, जो जो चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए ये राइफल खरीदने से पहले, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो पहले मैं इसको फायर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ. तो फायर करने के लिए पहले मैं इस राइफल को उठाता हूँ, इसका जो लैच है, लैच से मैं इसको ऐसे खोला और खोलने के बाद मैं इसको पूरा दबाया. देखिए कॉकिंग एफर्ट जो है इसका, ये कॉकिंग एफर्ट काफ़ी हाई है, मतलब ये करीबन 15 पाउंड्स के आसपास मेरे ख्याल से होगा. तो ये कॉकिंग आपको काफ़ी जोर देना पड़ेगा. इसका एक रीज़न है क्योंकि इसका जो कॉकिंग लीवर है, ये कॉकिंग लीवर डायरेक्ट है, इसमें कोई भी आपका ऑक्सिलरी लीवर नहीं है जो कुछ कुछ हाई मैग्नम राइफल में होता है. तो आपको पूरा प्रेशर आपको देना पड़ रहेगा इस स्प्रिंग को कंप्रेशन करने के लिए. तो ये थोड़ा सा हाई है पर मैंने इसको पूरा लोड किया. देखिए एक चीज़ इसमें रैचेट भी है, रैचेट के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस बाद में करता हूँ, पहले आपको फायर करके दिखाता हूँ. तो ये अभी लॉक हो गया. अभी एक मेरे पास एक 0.22 कैलिबर का पिलेट्स है जो H&N स्पोर्ट्स का बैराकुडा है. ये करीबन आपका 21.4 ग्रेन का पिलेट है, 21.4 ग्रेन का पिलेट है. मैं इसको अभी इसका जो ब्रीच है, इस ब्रीच के अंदर ऐसे घुसाता हूँ. आप देख सकते हैं मैं ब्रीच के अंदर इस पिलेट को घुसा दिया. अभी मैं इस लीवर को ऐसे दबा रहा हूँ. आप कैमरा इधर ले आइए थोड़ा. ये जो लीवर है, मैं इस लीवर को प्रेस कर रहा हूँ और प्रेस करने के बाद इस को ऐसे लॉक कर दिया. अभी राइफल का जो सेफ्टी है, ये सेफ्टी देखिए वाइट दिख रहा है, मतलब ये सेफ कंडीशन में है. अभी मैं इसको ऐसे दबा रहा हूँ तो ये मेरा रेडी टू फायर है. तो मेरे सामने एक छोटा सा किताब है, उस किताब में मैं अभी इसको फायर करने वाला हूँ. आप थोड़ा नज़दीक से दिखाइए इसका मजल साउंड कैसा आता है. आपको सुनाई दिया होगा, पता नहीं आप कैमरे में इसको अंदाजा कर सकते कि नहीं, बट ये थोड़ा काफी लाउड नॉइस है इसका. तो ये था ओवरऑल रिव्यू ऑफ डायना 460 मैग्नम. देखिए ये राइफल का रेंज के बारे में बात करते हैं तो ये 100 मीटर्स तक इसका इफेक्टिव रेंज मैं कह सकता हूँ सेफली, क्योंकि अराउंड 21 ग्रेन का पिलेट 100 मीटर्स तक इजीली टारगेट को हिट कर सकता है. एक स्कोप यूज करेंगे तो ये इजीली 100 मीटर्स तक जा सकता है. 50-60 मीटर्स तक तो इजीली आप इसको हिट कर सकते हैं स्कोप के साथ. 100 मीटर्स तक इसका इफेक्टिव रेंज सेफली कह सकता हूँ. आगे भी गोली जाता है बट उसका ट्रेजेक्टरी थोड़ा ड्रॉप होता है, बट 100 मीटर्स तक मैंने फ्लैट ट्रेजेक्टरी इस राइफल में मैंने ऑब्जर्व किया है. सो इट इज गुड टिल 100 मीटर्स शूटिंग, दैट इज फॉर श्योर. देखते रहिए हमारा चैनल, उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए. इसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उसको आंसर देने का. साथ में रहिए दोस्तों. आज हम लोग को यहीं पे रुकना पड़ेगा, वीडियो आगे थोड़ा लंबा हो रहा है. तो थर्ड पार्ट में हम लोग डायना 460 मैग्नम का जो ड्रॉबैक्स एरिया, इम्प्रूवमेंट एरिया या फिर जो कॉन्स एरियाज है, जो खास करके मैंने फेस किया है और या मेरे को पसंद नहीं आया और मैं सोच सकता हूँ कि वो थोड़ा और बेहतर हो सकता है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. अगर आप एक डायना 460 मैग्नम का खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको वो सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, जानना चाहिए. तो बने रहिए हमारे साथ, थर्ड पार्ट में ज़रूर देखिए उसको. हिंद, जय भारत, नमस्कार.